हरी सब्जी बहुत बहुत पसंद है। और तो मैं मम्मी ने कल जब भेजे तो मैं बहुत खुश हुई, मैं आज घर अंदर आती भी क्यों होती है, पर जो भी है, रहना यहाँ जीना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ, वो कर देते तो मैं ऑलरेडी एक थाली भर के मटर छिल चुकी हूँ और वो परात में पूरा लब्बू का खाना नहीं खाता है। हमारा लब्बू खा लेता सारा खाना भालू का, और भालू खाना ही नहीं खाता है। भालू खाना नहीं खाता है मैं। मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम ग्रेस व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करती हूँ गाइज आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। ठंड सच बता रही हूँ, रुद्रपुर की ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई है और अब धूप भी नहीं आ रही है। अभी टाइम 9 बज चुका है पर फिर भी धूप नहीं खिली है, और धूप मतलब अब यही रहेगा। दिसंबर और जनवरी दो महीने ऐसे होते हैं ना रुद्रपुर में कि बिल्कुल धूप नहीं आती है, हर जगह कोहरा। फिलहाल कोहरा नहीं आया है लेकिन बादल लग चुके हैं। अच्छी यार बताए, इतनी ठंड आखिर रुद्रपुर में होती क्यों है और इतनी गर्मी भी क्यों होती है। पर जो भी है, रहना यहाँ जीना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ, वो वाला फील हो रखा है। चलो जो भी अब होता ही है कि ठंड के दिन ठंड होगी, बट यहाँ की ठंड बहुत ज़्यादा मतलब एक होता है कि हाँ ठंड है तो इंसान कपड़े पहनता है खूब सारे तो गर्मी हो जाती है, ठीक लगता है, बॉडी वार्म टेम्परेचर ठीक होता है। पर यहाँ की गर्मी ठंड पता नहीं क्या अजीब सी है कि जॉइंट्स को अटैक करती है, बहुत पानी एकदम ठंडा, मतलब तुम्हारा मन नहीं करेगा कोई भी काम करने, मन करेगा कि बेड में ऐसे लेटे रहो बैठे रहो। पर जो भी है अभी चलते हैं नीचे की तरफ, क्योंकि एकदम रेडी हो चुकी हूँ, नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ, पूजा पाठ कर रही है। अब जाते हैं और एकदम से मिलते हैं सबको और बनाते हैं नाश्ता। तो अभी किचन पे आ चुकी हूँ और किचन पे बना रहे हैं हम लोग खाना। खाने पे आप बन रही है आज पालक, ये सीजन की फर्स्ट पालक, मतलब सीजन की फर्स्ट पालक हमारे घर पे बन रही है। बाहर तो मैंने पालक खा लिया लेकिन सीजन की फर्स्ट पालक जो आज घर पे हमारे यहाँ बन रही है, ये आई थी गोलापार से, मतलब मायके से, क्योंकि मेरी मम्मी ने, क्योंकि मुझे पालक बथुआ हरी सब्जी बहुत बहुत पसंद है। और तो मैं मम्मी ने कल जब भेजे तो मैं बहुत खुश हुई, मैं आज घर अंदर आते ही सबसे पहले ना पालक ही ओपन किया, मतलब पालक की ही सब्जी बनाते हैं आज। राई हरी सब्जी तो बहुत खा दी, आज बनाएंगे पालक और बथुआ रख दिया है, बथुए का बनाएंगे रायता और फिर बाकी सब चीजें करते हैं। भैया भाभी को हो रही है देर, जाना है उन्हें एक शादी अटेंड करने के लिए, तो तब तक बच्चे रेडी हो रहे हैं, भाई बच्चों को रेडी कर रही है, वो आटा वगैरह लगा के गई है। मैं तब तक ये कर लेती हूँ, मैं कुकिंग कर लेती हूँ, सब्जी बना के रोटियां सेक लेती हूँ, बाकी काम और हम करते रहेंगे मिलजुल के। फिलहाल तो यही है कि अब इसे कहाँ रखूँ, ये जस्ट अभी ओपन किया है, इसे भी ऐसे ही रख देती हूँ ताकि ये गिरे फिसले ना, ये फिसल फिसल गया ना बहुत ही ज्यादा टेंशन रहेगी। तो गाइस मैं जल्दी से बना लेती हूँ खाना और जो भी बन रहा है पालक की सब्जी, माय फेवरेट, ऐसी वाली फेवरेट मैंने यहाँ पे, लेकिन पता क्या और तो समझ नहीं आ रहा पालक को काटूं क्या करूं, तो मैंने ना पालक को बॉइल कर लिया और अब उसको अच्छी तरह से मैश मैश कर लेंगे, देन हम उसकी सब्जी बना रहे हैं। आटा लगा दिया भाभी ने और मैं जल्दी से रोटियां बनाती हूँ, मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो नाश्ता हो चुका है हमारा डन और परसों आई थी गोलापार से खूब सारी सब्जियां, तो ये यहाँ से मटर आई थी, देखो मटर, तो मैं अभी क्या करने लग गई, बैठ के सारी मटर छिलने लग गई। मैंने कहा एक काम ये हो जाता है, क्योंकि अगर मटर छिल के रखी हुई होती है ना तो वो यूज करने में आसान होती है, वरना कभी अचानक जैसे ना हम लोग जल्दी जल्दी में खाना पीना बनाते हैं तो उस टाइम क्या हो जाता है कि हाँ मटर छिली हुई नहीं होती, तो ऐसा करता है चलो छोड़ो कुछ और बना लेते हैं, रहने देते हैं करके हम इग्नोर कर देते। तो मैं ऑलरेडी एक थाली भर के मटर छिल चुकी हूँ और वो परात में पूरा भर गया उसके छिक्कल, तो क्योंकि अब इसे छिल के डब्बे में भर देंगे एयर टाइट ताकि इसमें वो ना हो, क्या कहते हैं, पानी वानी ना जाए इसलिए। और बस मेरे लास्ट थोड़े ही मटर बचे हैं छिलने के लिए इतने से, बाकी मैं सारे छिल चुकी हूँ। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखते, अरे हाँ इसके बाद जो मूलियाँ आई थी वो मूलियाँ छत में ले जानी है, वो मूलियाँ ले छत में ले जाके उसका अचार डालना है तो उनको कट करेंगे, बस इसके बाद मूली कट करते हैं। गाइस बाहर इतनी ठंड है कि हम लोग धूप में भी नहीं जा पा रहे हैं ना लब्बू, तो अभी मैं और लव्यांश बैठ गए हैं, कहाँ बैठे हैं, भालू के साथ, भालू के साथ बैठे हैं और हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, टीवी, टीवी। तो अभी लव्यांश और चाची उसकी टीवी देख रहे हैं और हम बैठे हैं भालू के साथ बेड में। ये भालू ना खाना ही नहीं खाता है लब्बू का, लब्बू का खाना नहीं खाता है, हमारा लब्बू खा लेता सारा खाना भालू का, और भालू खाना ही नहीं खाता है, भालू खाना नहीं खाता है, मैं खाऊंगी, मैं खाऊंगी, मैं और लब्बू खाना खाएंगे,
तो गाइस अभी मैं ना देखो सामने लव्बू भी लगा रही हूँ टीवी, खाएगा वो खाएगा खाएगा। अभी हम खाना बनाएंगे ना, हाँ। तब इन दोनों के लिए खाना लाएंगे, तो इसके लिए इसका फेवरेट शो लगा देते हैं। गैया मेरी गैया गैया, क्या देखेंगे आप? गैया मेरी गैया मेरी, हाँ। तो पता नहीं ये सच में कन्हैया है, क्योंकि इसे ना कान्हा जी की तरह गायों से इतना प्यार है, आते जाते अगर इसने गाय देख ली ना बैठ जाता है गाय गाय गाय। क्या देखोगे? गाय गैया मेरी। तो उसको देखना भी गैया मेरी है, मेरी गैया आती है, इतना एक्साइटेड हो जाता है उसे देख के ना, बहुत खुश हो जाता है। तो मैं इसके लिए गैया मेरी लगाती हूँ, आप सभी को फिर मिलती हूँ। गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। शाम का टाइम हो चुका है और अभी फिलहाल उतनी ठंड नहीं हो रही है, शायद इसलिए भी ठंड नहीं लग रही मुझे, क्योंकि मैं आराम से रजाई से उठ के आई हूँ। मेरे को आज बहुत अच्छी नींद आई, क्योंकि कल रात भर मैं नहीं सो पाई थी, मुझे नींद आ रही थी, बट मैं नहीं नींद ही नहीं आई। 11:30 बजे तक मैं उठ रही थी, 11:30 बजे तक के बाद ही सोई होंगी, और मेरे को यहाँ पूरा पिठाई फैल गया। अभी बना के लाई हूँ अपने लिए चाय। वैसे पता कितने बार मैं ऐसा सोचती हूँ कि चाय छोड़ दूंगी, बट पता नहीं हम पहाड़ियों में चाय चाय नहीं है, चाय इज इमोशंस, चाय प्यार है हमारा, इसीलिए शायद छूटे नहीं छूटती है ना, इसीलिए जो कोई बात नहीं। मैं आराम से यहाँ बैठ के चाय इंजॉय करती हूँ अपनी, फिर आप सभी को शाम को मिलती हूँ।